सैमसंग गैलेक्सी S10 के लीक्स आना चालू हो गए हैं और ये फोन 2019 में रिलीज हो सकता है या फिर ये मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा जल्दी भी आ सकता है, क्योंकि एक रिपोर्ट क्लेम करती है कि जो गैलेक्सी S10 है उसे सैमसंग CES 2019 जो जनवरी में होता है उसी में ही अनाउंस कर सकती है, और इसका मतलब ये कि फरवरी 2019 में बिकना भी चालू हो सकता है। और अगर हम इसके और लीक्स के बारे में बात करें तो जो सैमसंग है ना वो तीन अलग अलग गैलेक्सी S10 के मॉडल्स को निकालने वाली है जिसके कोड नेम है बियॉन्ड 0, बियॉन्ड 1 और बियॉन्ड 2। अगर हम बियॉन्ड की बात करें तो ये सक्सेसर होगा S9 का, यानी कि Samsung Galaxy S10। जो Beyond 2 है वो हो सकता है सक्सेसर Galaxy S9 Plus का, यानी कि Samsung Galaxy S10 Plus। और जो Beyond 0 है ना, ये एक नया एंट्री लेवल स्मार्टफोन हो सकता है जो Samsung Galaxy S10 Mini या फिर किसी और नाम से भी आ सकता है। और अगर हम इनके एग्जैक्ट मॉडल नंबर्स के बारे में बात करें तो इनके मॉडल नंबर्स होंगे SMG970, SMG975 और SMG973। और जो र्यूमर्स कहते हैं ना उनसे पता लगता है कि पहले के दो जो डिवाइसेज होंगे ना बियॉन्ड 0, बियॉन्ड 1, उनके अंदर आपको 5.8 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा और जो तीसरा फोन होगा बियॉन्ड 2 उसके अंदर आपको 6.2 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। और यहां तक कि कुछ र्यूमर ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर जो डिस्प्ले होगा उसके अंदर जो PPI होगा इस बार 600 PPI तक को टच कर सकता है, यानी कि Samsung Galaxy S का जो 10th मॉडल आने वाला है ना उसके अंदर काफी सारे चेंजेस करने वाली है, तो उसके अंदर अभी तक का हमें सबसे हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले भी देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें तीनों ही फोन्स के अंदर कैमरा की, तो जो बियॉन्ड 0 का उसके अंदर सिंगल कैमरा ही देखने को मिलेगा, ये होगा शायद 12 मेगापिक्सल का कैमरा जिसके अंदर वेरिएबल अपर्चर होगा f1.5 से f2.4 तक का। इसके बाद जो बियॉन्ड 1 होगा ना उसके अंदर डुअल कैमरा देखने को मिल सकते हैं, यानी कि एक तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा होगा वेरिएबल अपर्चर टेक्नोलॉजी वाला और जो दूसरा कैमरा होगा ना वो 30 मेगापिक्सल का जूम लेंस होगा जिसका अपर्चर f2.4 हो सकता है। और जो बियॉन्ड 2 होगा 6.2 इंच वाला फोन उसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरास देखने को मिल सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे आपको Huawei P20 Pro में देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर एक मेन कैमरा होगा 12 मेगापिक्सल का वेरिएबल अपर्चर के साथ, एक जूम वाला कैमरा होगा 13 मेगापिक्सल के साथ और f2.4 का अपर्चर के साथ, और एक वाइड एंगल लेंस होगा जैसा आपको LG के फोन्स में देखने को मिलता है, यानी कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा 123 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ। तो इस तरीके से आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप जो S10 Plus आने वाला है ना उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। और इतना ही नहीं, Samsung Galaxy S10 जो तीनों ही फोन्स आने वाले हैं ना उनके अंदर आपको डेडिकेटेड 3D स्कैनर देखने को मिल सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा सिमिलर होने वाले हैं एप्पल के फेस ID से, और इनका यूज किया जाएगा Samsung की AR इमोजीज के लिए, और जो 3D फेस अनलॉकिंग की जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो भी इस फोन में आने वाली है। और अगर हम फोन के अनलॉक होने की बात करें तो इन तीनों ही फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी होगी ना ये ओप्पो और वीवो के फोन्स में जो आती है ना वैसी नहीं होगी, इसके अंदर यूज किया जाएगा अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी का जिसे डेवलप किया है क्वालकॉम ने। और ये जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग है ना तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो ज्यादा फास्ट और ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा एक्यूरेट है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर से। और हाँ, ये जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी है ना ये पानी के नीचे भी काम करती है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात होगी। और अच्छी बात ये है कि तीनों ही फोन्स के अंदर आने वाली है। और एक और बात बताऊं मैं आपको, जो गैलेक्सी S10 के तीनों ही फोन्स होंगे ना उनके अंदर इस बार से IRIS अनलॉक पूरी तरीके से हटने वाला है, यानी कि जो सैमसंग है ना वो 3D फेस अनलॉक के ऊपर शिफ्ट हो रही है और IRIS स्कैनिंग को अब हटा रही है। और कुछ र्यूमर्स तो ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पहले से ज्यादा भी हो सकता है, और ऐसा करने के लिए सैमसंग ने स्पीकर को डिस्प्ले के अंदर लगाने का भी सिस्टम डेवलप कर लिया है, यानी कि जो सैमसंग का जो डिस्प्ले होगा वो एक साउंड इमिटिंग स्पीकर की तरीके से भी काम करेगा। लेकिन ये बात देखनी होगी कि जब ये फोन आएगा तो ये चीज किस तरीके से काम करती है। और जो Samsung Galaxy S10 होगा ना ये कंफर्म हो चुका है पहला फोन होगा Qualcomm के Snapdragon 855 के ऊपर चलने वाला, लेकिन Snapdragon के साथ सिर्फ US में मिलेगा और बाकी पूरी दुनिया में ये हो सकता है Samsung के बनाई हुई Exynos 9820 चिप के साथ देखने को मिले। और बात करें इसके अंदर 5G आएगा या नहीं आएगा तो इतना कंफर्म हो चुका है कि जो दो फोन आने वाले ना बियॉन्ड 0, बियॉन्ड 1 उनके अंदर अभी शायद 5G देखने को ना मिले, और हो सकता है जो बियॉन्ड 2 आए उसी के अंदर 5G देखने को मिले। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि 5G का एक स्पेशल वर्जन निकालेगी वो, यानी कि इन तीनों फोन से अलग एक चौथा फोन भी होगा जिसके अंदर 5G आएगा और वो हो सकता है सिर्फ कोरिया के लिए बनाया गया हो, क्योंकि जो सैमसंग है वो कोरियन कंपनी है। तो ये भी देखने वाली बात है कि सैमसंग गैलेक्सी S10 के साथ 5G आता है या फिर नहीं आता है, या फिर सैमसंग कोई नया फोन निकालती है 5G को इंप्लीमेंट करने के लिए। और अगर फोन में सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो जो गैलेक्सी S10 है वो एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर चलते हुए मिलेगा जैसा कि हमें पता है, और इस सैमसंग के ही एक्सपीरियंस UI जो आता है ना उसी के ही नेक्स्ट वर्जन के ऊपर चलता हुआ मिलेगा। और इन तीनों ही फोन्स के अंदर जो बिक्सबी डिजिटल असिस्टेंट को दे रखा है ना उसे भी पहले से ज्यादा स्मार्ट किया जा सकता है। और अगर हम बात करें जो S10 होने वाला है ना वो अपने पिछले जितने भी फोन्स लॉन्च हुए थे ना उन सबसे काफी ज्यादा अलग होने वाला है, और रूमर्स की अगर हम बात माने तो ये कंप्लीटली ट्रूली बेजललेस डिजाइन के साथ आ सकता है जिस तरीके से हमें
हमें ओप्पो फाइंड एक्स और वीवो नेक्स देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से भी आ सकता है। लेकिन अभी इस बार में कन्फर्मेशन नहीं है कि इसमें अभी हमें बेजल्स देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या फिर इस फोन के अंदर कोई नॉच होगा। लेकिन इतना बता सकते हैं कि जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो होने वाला है ना, इस बार फोन का ज्यादा होने वाला है, और इस फोन के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा हाई पिक्सल डेंसिटी भी देखने को मिलने वाली है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात करें तो वो तो उसके रैम और स्टोरेज के ऊपर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि जो रैम होने वाली है जो सबसे सस्ता वर्जन होगा बियॉन्ड जीरो उसमें 4GB होगी, लेकिन जो सबसे महंगा मॉडल होगा ना उसके अंदर आपको 8GB रैम और 512GB स्टोरेज भी देखने को मिल सकती है, जैसी आपको गैलेक्सी नोट 9 में देखने को मिली थी। और इसी तरीके से इसकी प्राइसिंग भी डिफर कर सकती है, यानी कि 50-60 हज़ार से इसकी प्राइसिंग चालू हो सकती है और 70-80 हज़ार तक इस फोन की प्राइसिंग जा सकती है इसके 8GB और 512GB वाले मॉडल की। लेकिन अभी भी बता देना चाहता हूँ, जो सैमसंग है उसने अभी भी ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं किया है, और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ये बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेके बताई, जो काफी ट्रस्ट वर्थी है लीक्स के मामले में। तो हो सकता है कि इस वीडियो की सारी बातें सही ना हो S10 के बारे में, लेकिन ज्यादातर जो बातें हैं ना वो काफी हद तक सही ही होने वाली है। और सैमसंग गैलेक्सी S10 में क्या एग्जैक्टली आने वाला है, तो इस चीज का जो फाइनल कन्फर्मेशन होगा वो खुद सैमसंग ही करेगी अपने S10 के इवेंट के अंदर, जो हो सकता है हमें CES 2019 में देखने को मिले। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आखिर सैमसंग गैलेक्सी S10 में नया क्या आ सकता है, तो ये बात नीचे कमेंट में बताओ। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।